अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप लोग ठीक है? जी इंस्पेक्टर ठीक है। आप लोग मेरे साथ हॉल में आइए, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। दीप तू ठीक है? चल आ जा। मर गया बल्लू भाई, पुलिस पड़ गई पीछे। क्या करूं मैं, स्पाइडरमैन हूं क्या मैं, जाने फेंकूं मैं? जाना वहां गुल्ली क्या गुड्डू ना, काले कीड़े पड़े इसके। वो तो बंद रखे गाड़ियां, क्या करें हम? तो मर गया यार, मर गया आज तो। पता जाले लग गए बेटे, स्पाइडरमैन का रुक जाओ, तुम दोनों बच के नहीं जा सकते। चोट लगी बहुत तेज पैर में। क्या हो गुट्टू मेरे भाई, क्या हो गया? मैं चोट लग गया। क्या हो गया बेटे, क्या कर रहे हो? चल जा बता, लक्ष्मी वापस आऊंगा मैं। अबे यार मिल गई गुट्टू, चल चल बैठ। ए ए कहां जा, रुक रुक, ए रुक जा। चुपचाप सब अपनी जगह पे बैठे रहो, कोई हिले ना, सीधे शूट कर देना। बोला ना शांत बैठे रहो, कोई चालाकी नहीं, चुपचाप से। मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके ये लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए थे। हमें पता है इंस्पेक्टर, ये सारे लोग चोर हैं और यहाँ पे चोरी करने आए थे। नहीं ऋषि जी, लोग चोर नहीं हैं, बल्कि ये स्मगलर्स हैं। स्मगलर्स? हाँ स्मगलर, और वो भी छोटे मोटे नहीं, पूरा सिंडिकेट है इनका। इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। पकड़ो इसे। अरे कहाँ बात कर रहे हो, गलत बात, गलत बात। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखे चलो इसे। है ना? अब नहीं बेटा, लग नहीं नहीं। वन टू अरे थ्री। गंदे अंकल, आप मेरी माँ को परेशान करते हो ना, अब आया मजा। हाँ गंदे अंकल, अब हमसे कभी दोबारा पंगा मत लेना। हाँ यहाँ से जाओ। ये लेके चलो इसे। चलना यार। चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहो वरना शूट कर दूंगा यहीं के यहीं। कोई चालाकी नहीं करेगा, समझे ना? ठीक हो? हाँ। ये लोग जो लक्ष्मी जी के हाथ से ब्रेसलेट चोरी करने की कोशिश कर रहे थे वो ब्रेसलेट। अरे इंस्पेक्टर सर, इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। अरे ये लोग तो नकली गहने चुरा रहे थे। मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि नकली गहनों में उनको क्या असली लुकिंग हो रहा था, जैसे कि हीरे लुकिंग हो रहे हो। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। क्या क्या मीनिंग? हीरे? जी हाँ हीरे। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर, हीरे मतलब असली हीरे? अब सच इनसे सुन लीजिए, तुम बताओगे या मैं बताऊं? चल बता। बताता हूँ, हुआ ये था कि कुछ हीरे चुराए थे हमने, उनकी डील करने के लिए एक होटल में गए थे। अब किस्मत हमारी इतनी खराब थी कि तुम लोग भी वहीं ठहरे थे। हमारी डील क्रैक होती उससे पहले ही पुलिस आ गई, भागना पड़ा हमें वहां से। याद है मुझे, तो वो तुम लोग थे? हाँ हाँ डैड, ये लोग वही थे, मैंने इनको बाइक पर देखा था। अब जब पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था हमारी एक टेम्पू से, और आपको तो पता ही होगा वो टेम्पू आ भी गया था। अब बाइक छोड़कर भागना पड़ा मुझे वहां से। समझ गया समझ गया, ठीक है। पर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंचे हमारे घर में? पप्पा की वजह से। पप्पा की वजह से मतलब? अरे एक्सीडेंट हो गया था, कोई ऑप्शन नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। पर मैंने सोचा आपके टेम्पो में ही छुप जाता हूँ, मैं छुप गया वहाँ। अब आपके टेम्पो के साथ आ गया मैं आपके घर तक, सोचा था मौका देखकर निकल जाऊंगा, लेकिन तो निकले क्यों नहीं? निकलता कहाँ से, पुलिस थी बाहर, मैं डर गया था।
मैंने सोचा इतनी मेहनत की है हीरो के लिए, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? बस मैं थोड़ा दिमाग दौड़ाया और मेरी समझ में आया कि यार ये तरीका सही है। पप्पा की मूर्ति थी आपके टेम्पो में, मैंने सोचा इसी में छुपा देता हूँ जो गहने पहन रखे हैं। मैंने कर दिया ऐसा, अब घर देख लिया था, रास्ता देख लिया था, मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा आऊँगा थोड़ी देर बाद, ले जाऊँगा हीरे वापस, वही किया मैंने। आ गए वसीले। हाँ लेकिन वो ब्रेसलेट तो ऋषि ने लक्ष्मी को गिफ्ट दिया था, फिर पप्पा का कैसे? दादी एक्चुअली पप्पा का आशीर्वाद समझ के मैंने लक्ष्मी को दे दिया। मैं जब पप्पा के पास था तो वो ब्रेसलेट उनके हाथ से गिर गया था और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर किसी को भी बताता तो उन्हें लगता कि अशुभ हो गया या अपशगुन होने जा रहा है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। बस पप्पा का आशीर्वाद समझा और जाके सीधा लक्ष्मी को दे दिया। अरे एक असली हीरा मैंने लगा दिया था उस ब्रेसलेट में, मगर उसी को पाने के चक्कर में इतनी भाग दौड़ हो गई। लक्ष्मी जी ये ब्रेसलेट अब एक एविडेंस है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये सबूत के तौर पर रखना पड़ेगा, तो प्लीज आपको ये हमें देना पड़ेगा। ले चलो इन्हें। जजमान अब आज्ञा दीजिए, हमको बहुत विलंब हो गया, कहीं और ही पूजा है, पनवेल जाना है। देखिए अंत भला सब भला, बोलो गणदेव पप्पा। केश कपड़े पहन के चला गया। ऋषि तुमसे कहा था ना ध्यान रखना। मॉम आप बेकार में टेंशन ले रही, मैं ठीक हूँ। तुम बैठो यहाँ, हाथ दिखाओ अपना, इतनी चोट लगी अब मैं सच में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी है मैं मानता हूँ, मैं ठीक है। थोड़ी सी चोट है, बच्चे को खरोच भी आया ना तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है, और तुम्हें तो इतनी चोट आई है, तुम चुपचाप यहीं बैठो, हम अभी इसको ठीक करते हैं। दादा कैसे ज्यादा लगा क्या? नहीं बच्चा थोड़ा ही लगा है, ज्यादा नहीं लगा। डैड आपको दर्द हो रहा होगा ना? थोड़ा। डैड आप डरो मत, हम पापा से बोलेंगे कि वो आपका दर्द गायब कर दे और फिर आपका दर्द गायब हो जाएगा, है ना रोहन? हाँ आपका दर्द एकदम गायब हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। चल पर प्रे करते हैं। गणपति बप्पा आप हमारे डैड का दर्द ठीक कर दो प्लीज, और फिर डैड आपका दर्द गायब हो जाएगा। हाँ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे डैड। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक। मलिष्का हमें फर्स्ट एड बॉक्स देना। जी मॉम। मॉम सच में जरूरत नहीं है। कहाँ चला गया फर्स्ट एड बॉक्स? यहीं पे तो था, मिल ही नहीं रहा है। अब उधर देखती हूँ। Yes, लक्ष्मी अपसेट है। गुड मलिष्का, सोच क्या रही हो? बॉक्स दो हमें। जी डैड आप डरना बिल्कुल भी नहीं, पर मॉम अच्छे से दवाई लगाएगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। हाँ डैड आप डरो मत, हम हैं आपके साथ। अरे बहादुर बच्चों का डैड हूँ, बिल्कुल नहीं डरूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। गुड जॉब डैड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।